हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त बिंदु और आज मैं बात करने वाला हूं फिल्म डायरेक्टर किसी भी फिल्म को कंप्लीट करने में कितना पैसा चार्ज करता है, एक फिल्म डायरेक्टर कितना पैसा अर्न करता है एक फिल्म को शूट करने में। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो है। वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने हुए रहेगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है फिल्म मेकिंग के ऊपर इस चैनल पर, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं कि एक फिल्म डायरेक्टर कितना पैसा कमाता है किसी भी फिल्म को शूट करने में, या फिर एक दिन में वो कितना पैसा कमाता है, या फिर उसका पर मंथ कितना पैसा चार्ज होता है, या फिर पूरा कंप्लीट फिल्म को शूट करने में वो पैसा चार्ज करता है, किस तरीके से एक फिल्म डायरेक्टर पैसा कमाता है किसी फिल्म को शूट करने में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिल्म डायरेक्टर होता क्या है। तो फिल्म डायरेक्टर को बेसिकली फिल्म मेकिंग के लैंग्वेज में कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है। किसी भी समुद्री जहाज का जो ऑल इन ऑल होता है ना, उसका कैप्टन होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर शिप डूब जाता है ना, तो उसके साथ उसका कैप्टन भी साथ में डूब जाता है। उसी तरह हमारे फिल्म मेकिंग में कहावत है कि किसी भी फिल्म को कंप्लीट करने में जो उसका ऑल इन ऑल होता है वो उसका डायरेक्टर होता है। अगर फिल्म हिट होता है या फ्लॉप होता है, उसका सारा का सारा क्रेडिट उसके डायरेक्टर के ऊपर जाता है। इतना ज्यादा एक डायरेक्टर का रोल होता है, तो अगर इतना ज्यादा रोल है तो वाजिब सा उसका कमाई भी ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स आपको मन में ये बात आ रहा होगा, और ये सच भी है, फिल्म डायरेक्टर ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं किसी भी फिल्म को शूट करने में। वो आगे मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। एक डायरेक्टर के अंदर में एक बहुत बड़ा टीम होता है। उस टीम में चीफ एडी होते हैं, जिसको चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर कहा जाता है। फर्स्ट एडी होते हैं, जिसको फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर कहा जाता है। सेकंड एडी होते हैं, जिसको सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर कहा जाता है। प्रॉपर्टी एडी होते हैं, जिसको प्रॉपर्टी असिस्टेंट डायरेक्टर कहा जाता है। कॉस्ट्यूम एडी होते हैं, टीसीआर एडी होते हैं। इसी तरह से बहुत अलग अलग एडी होते हैं, जिसको असिस्टेंट डायरेक्टर फुल फॉर्म इसका नाम है, और बहुत सारे लोगों का एक टीम होता है। तब जाके डायरेक्शन टीम कंप्लीट होता है और उसका बॉस होता है डायरेक्टर। ऐसे डायरेक्टर अपने टीम का तो बॉस होता ही होता है, पूरे यूनिट का बॉस होता है। अगर वो एक्शन बोलता है तो सारे लोग परफॉर्म करते हैं, और अगर वो कट बोलता है तो पूरा का पूरा यूनिट एक साथ रुकता है। इतना ज्यादा एक डायरेक्टर का रोल होता है, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का और बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव माइंड वाला जॉब है ये डायरेक्टर का। पूरा का पूरा जो फिल्म होता है ना, डायरेक्टर के माइंड से चलता है। डायरेक्टर अपने मन में उस पूरे फिल्म को पहले बना लेता है, तब जाकर शूटिंग स्टार्ट करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है किसी फिल्म को शूट करने में। यार इतना ज्यादा पैसा लगा हुआ रहता है ना, इतना ज्यादा पैसा लगा हुआ रहता है कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। करोड़ों करोड़ों रुपया एक फिल्म का प्रोजेक्ट होता है, और एक बार अगर वो फिल्म फ्लॉप हो जाता है ना, तो करोड़ों रुपया का लॉस हो जाता है रातों रात। मतलब कितने लोगों का घर बर्बाद हो जाता है एक फिल्म को फ्लॉप होने से। और अगर वही फिल्म अगर हिट हो जाता है तो मतलब करोड़ों रुपया का बरसात भी हो जाता है, ये भी बात सच है। और ये सारा का सारा श्रेय जाता है डायरेक्टर का। और डायरेक्टर का काम क्या होता है बेसिकली, कि वो माइंड में ना फिल्म को बनाता है, वो स्टोरी को पढ़ता है, स्टोरी पढ़ने के बाद माइंड में फिल्म को बनाता है, और फिर जाता है फिर उसको शूट करता है। एक खराब एक्टर से अच्छा एक्टिंग करवाने का काम भी डायरेक्टर का होता है, एक खराब कहानी को अच्छा कहानी कहने का काम भी डायरेक्टर का होता है, खराब लोकेशन को अच्छा लोकेशन दिखाने का काम भी डायरेक्टर का होता है, एक खराब म्यूजिक को किस तरीके से यूज किया जाए फिल्म में जिससे कि फिल्म में वो हेल्प करे वो म्यूजिक, और वो गाना और वो सीन अच्छा बन के आए, ये सारा का सारा काम डायरेक्टर का होता है। मतलब पूरे यूनिट को देखना, पूरे यूनिट से उसका बेस्ट निकलवाना, ये सारा का सारा काम डायरेक्टर का होता है। इसीलिए डायरेक्शन टीम बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस और बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ किसी फिल्म को करता है। ऐसे तो सारा का सारा डिपार्टमेंट अच्छा काम करता है, सारा का सारा डिपार्टमेंट अपना 100% देता है, लेकिन उस 100% निकलवाता कौन है, तो वो है डायरेक्शन टीम। और डायरेक्शन टीम को लीड कौन करता है, तो डायरेक्टर। पूरे यूनिट को लीड करता है डायरेक्टर, लेकिन वो अपने टीम को तो लीड करता ही है। अब बात करते हैं कि एक डायरेक्टर पर डे चार्ज करता है, या फिर वो डायरेक्टर पर मंथ चार्ज करता है, या फिर वो पूरे फिल्म का चार्ज करता है। तो बेसिकली देखिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर पर फिल्म का चार्ज करता है, एक फिल्म का वो कंप्लीट चार्ज करता है। रीजनल मूवी का मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं मगही, मैं भोजपुरी, मैं पंजाबी, मैं उड़िया, मैं कन्नड़ का बात नहीं कर रहा हूं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर पूरे प्रोजेक्ट का चार्ज करता है, और वो चार्ज कैसा होता है, तो फिल्म का कमाई का 10%। जितना फिल्म वो कमाता है, उस फिल्म का टोटल कमाई का 10% डायरेक्टर का चार्ज होता है। ये आजकल नया ट्रेंड चला है, इसके पहले डायरेक्टर का फीस होता था, लेकिन अब फीस हटा दिया गया है। जो वो फिल्म कमाएगा बॉक्स ऑफिस पे या फिर टीवी पे जब वो टेलीकास्ट होगा या वर्ल्ड प्रीमियर होगा, जितना तरह का कमाई वो फिल्म का होगा, उसका 10% चार्ज उस डायरेक्टर का होगा। और उस डायरेक्टर का पर्सनल ये कमाई है, उसके टीम का कमाई नहीं है। अब आता है उसका टीम का कमाई क्या है, मतलब उसके अंदर में जो चीफ एडी थे, जो फर्स्ट एडी थे, जो सेकंड एडी थे, जो प्रॉपर्टी एडी थे, जो क्रिएटिव एडी थे, ये सारे लोगों का कमाई कितना है। तो ये सारे लोग होते हैं पर मंथ पे। इसमें से सिर्फ और सिर्फ चीफ एडी और फर्स्ट एडी होते हैं वो पर डे पे होते हैं, मतलब एक दिन का उनका पैसा मिलता है, और बाकी लोग सैलरी वाइज होते हैं। और चीफ एडी और फर्स्ट एडी का जो कमाई होता है वो होता है ऑलमोस्ट
25,000 पर डे के हिसाब से। एक दिन के शूटिंग का वो 25,000 लेते हैं। और शूटिंग के बाद जब वो फिल्म कंप्लीट शूट हो जाता है और उसके बाद जब वो एडिट पे जाता है, तो एडिट पे जाने के बाद उनका हो जाता है पर डे का 15,000। और शूटिंग से पहले जो प्री प्रोडक्शन का काम होता है, जहां पे एक्टर आते हैं और उनको नरेशन दिया जाता है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होता है, या कॉस्ट्यूम से रिलेटेड काम होता है, या लोकेशन रेकी होता है, उस समय डायरेक्शन टीम का जो पर डे होता है वो 10,000 होता है। मतलब शूटिंग से पहले 10,000, शूटिंग के टाइम पे 25,000 और शूटिंग कंप्लीट होने के बाद 15,000। इस तरह से चीफ एडी और फर्स्ट एडी का पर डे होता है। और बाकी लोग सैलरी वाइज होते हैं। सैलरी में 50,000 से 1,00,000 के बीच में सैलरी वेरी करता है। और जो हमारे डायरेक्टर होते हैं उनका कमाई, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उनके पूरे फिल्म के कमाई का 10%, याद रखिएगा, पूरे फिल्म के बजट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे फिल्म के कमाई का बात कर रहा हूँ। जितना वो फिल्म कमाएगा उसका 10% वो उस डायरेक्टर को मिलेगा। ये डायरेक्टर का हमारे यहाँ का आजकल नया ट्रेंड चला है। ये 2022 से स्टार्ट हुआ है और ये बिल्कुल नया, और ये हमारे सारे बॉलीवुड के जो बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, जो भी हमारे नामचीन डायरेक्टर हैं, जो अच्छे अच्छे फिल्म कर रहे हैं, उनका मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि वैसे डायरेक्टर जो ज़्यादा फेमस नहीं है लेकिन फिल्म कर रहे हैं, उनका कमाई क्या होता है। उनका होता है पर डे का, उनको एक दिन का 50,000 रुपया मिलता है किसी भी फिल्म को शूट करने के लिए। अब वो फिल्म कोई भी हो, कितना भी बजट का हो, कितना वो फिल्म कमाता हो, इसे डायरेक्टर का कोई मतलब नहीं है। उनको एक दिन का 50,000 मिलेगा और उसी के हिसाब से उनके टीम को पैसा बांटा जाएगा। टीम का पैसा अलग होता है, डायरेक्टर का पैसा अलग होता है। एक फिल्म को कंप्लीट करने में 35 से 45 दिन लगता है और एक दिन का कमाई डायरेक्टर का होता है 50,000। तो आप कैलकुलेशन करके जोड़ लीजिए कि कितना वो फिल्म को कंप्लीट करने में लेते हैं। अब बात करते हैं कि वो डायरेक्टर प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में कितना पैसा चार्ज करते हैं। तो देखिए, अगर उनका 50,000 पर डे है तो उसका हाफ हो जाएगा पोस्ट प्रोडक्शन में, मतलब शूटिंग खत्म होने के बाद जब वो एडिट पे होगा तो उसमें उनका 25,000 हो जाएगा पर डे, और उसका हाफ हो जाएगा प्री प्रोडक्शन में, मतलब 25,000 का हाफ हो जाएगा 7,500 से 10,000 के बीच में उनको प्री प्रोडक्शन में मिलेगा, जब वो फिल्म का नरेशन होगा, या फिल्म के कॉस्ट्यूम के ऊपर बात होगा, या लोकेशन की होगा, या कहानी के ऊपर बात होगा, या फिर ऑडिशन के ऊपर बात होगा, तो उस समय डायरेक्टर का कमाई 10,000 के आसपास रहता है। तो इस तरह से हमारे बांटा गया है डायरेक्टर का कमाई को हमारे इंडस्ट्री में। और ये जो बाइफरकेशन मैं आपको बताया हूं, ये डायरेक्टर का जो यूनियन होता है, जो बॉम्बे में हमारा यूनियन है, उस यूनियन का मैं कमाई आपको बता रहा हूं। इस तरह से हमारा डायरेक्शन टीम का और डायरेक्टर का कमाई को बांटा गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है फिल्म मेकिंग के ऊपर इस चैनल पे। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड जय हिंद दोस्तों।